आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज, मतलब हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो बोला गया है कि जो हीट होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंस का, और आगे हमें बताना है कि क्या हो सकता है इसके आगे। तो हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय हीट ड्यूरिंग अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड में एनर्जी पर यूनिट मास एब्जॉर्ब्ड एज हीट ड्यूरिंग अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। The same as the heat capacity, the same as the specific heat. तो जब भी इसमें क्या लिखा है, heat of transformation of a substance is, क्या होता है कि heat जो होता है transformation होता है substance का, जब हमारा क्या होता है energy per unit mass जो है वो absorb हो जाती है as heat, it is absorbed as heat। और ये कब absorb होती है heat की, जब भी हमारा क्या होता है during a फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है यहाँ तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या गैस से वापस से सॉलिड में आ रहा है। तो मतलब इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू। उसमें लिखा है द एनर्जी पर यूनिट मास एब्जॉर्ब्ड एज हीट ड्यूरिंग अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।